मेन जो अभी जो ट्रेंडिंग क्राइम है और किस तरीके से अपराधी जो है लगातार लोगों को टारगेट कर रहे हैं, कुछ बताएं सर। देखिए, साइबर क्राइम के मैं दो भाग करता हूँ। लोगों को एक ऐसी बहुत बड़ी भ्रांति है कि साइबर क्राइम पैसा जाता है। यस ऑफ कोर्स, पैसा तो जाता है, पर उसके साथ साथ आपकी प्रतिष्ठा जा सकती है, आपका नाम जा सकता है, आपकी पूरा इज्जत जा सकती है, आपका जान तक जा सकती है। तो साइबर क्राइम के दो मुख्य भाग मैं बनाता हूँ। एक है फाइनेंशियल साइबर क्राइम, जो पैसे से संबंधित है, और दूसरा है सोशल साइबर क्राइम, जो लोगों की प्रतिष्ठा, उनकी इज्जत, उनकी नौकरी, उनके नाम से जुड़े हुए हैं। ये दोनों बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है जो ऑनलाइन फ्रॉड्स एंड जो पैसे से आधारित क्राइम है, तो उसके बारे में मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कुछ बातें। देखिए, इन सारे जो जितने भी साइबर क्राइम हैं, जो पैसा लेते हैं लोगों से, उनकी गाड़ी कमाई उनसे धोखे से ले लेते हैं, वो सारे के सारे एक क्राइम पे आधारित हैं, जिनको बोलते हैं फिशिंग अटैक। या फिशिंग एक अंग्रेजी शब्द से आता है जो एफ से शुरू होता है, उसको बोलते हैं मच्छी पकड़ना। तो मछुआरा जाता है तालाब में, नदी पे, अपने समुद्र में, या कांटा फेंकता है, फिर इंतज़ार करता है, हजारों मछलियां निकलती हैं, सब नहीं पकड़ी जाती, एक पकड़ी जाती है, मछुआरे का काम हो जाता है, उसको हजारों को पकड़ना भी नहीं था। तो वैसे ही आप एफ को हटा दो, पीएच शब्द ऐड कर दो, टेक्नोलॉजी डाल दो, तो वो बन जाता है फिशिंग अटैक। सबसे खतरनाक साइबर क्राइम फिशिंग अटैक है, क्योंकि सारे साइबर क्राइम इसी पर आधारित है। तो इसमें कॉन्सेप्ट वही है कि जो आपराधिक तत्व हैं, ये अपने घर में बैठे, उनको कहीं जाना नहीं, किसी से मिलना नहीं, घर में बैठो, वहीं से करो, एक फिशिंग ईमेल बनाओ और लाखों लोगों को भेजो। आप भेज सकते हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी का सहारा है। एक एक बार, लाखों बार वो बटन नहीं दबाना, वो तो फिशिंग किट्स आती हैं, जिससे आप वो एक फिशिंग ईमेल लाखों अकाउंट्स को भेज सकते हो। एक घर में बैठे बैठे फिशिंग फ़ोन कॉल करो आप हजारों लोगों को, ऐसे ये लोग करते रहते हैं, फिर वेट करते हैं, सब लोग नहीं फंसते, कुछ लोग फंस जाते हैं, उनका काम बन जाता है। तो एज अ रिजल्ट ये क्राइम बहुत बड़ा खतरा बन गया है। ये बहुत तरीकों से होता है, ईमेल के माध्यम से होता है, फ़ोन कॉल के माध्यम से होता है, SMS से होता है, ऐप्स भेज के, आपको QR कोड फर्जी तरीके से भेज के, WhatsApp के माध्यम से मैसेजिंग करके, तो ये बहुत सारे तरीकों से होता है। बट होता वही कॉन्सेप्ट है कि लोगों को फंसाना और उनसे पैसे लेना। तो वो तरीके वो बदलते रहते हैं, बट उनका उद्देश्य वही होता है कि किसी तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसा के उनसे उनका धन प्राप्त करना अवैध रूप से। तो ये तो फिशिंग अटैक है जो ज़्यादा चल रहे हैं आजकल। पहले बीच में आया था कि आपको एक WhatsApp मैसेज आता था कि आपको आपका अकाउंट, आपने बिजली का बिल नहीं दिया, अगर आप नहीं भरोगे, एक QR कोड है साथ में, नहीं भरोगे तो आपका बिजली काट दी जाएगी। तो ये पहले था। फिर एक होता आपका अरेस्ट वारंट निकल आया है और आपको आपकी टीम रवाना हो गई गिरफ्तार करने, अगर आप पैसा दे के उसको कैंसिल नहीं कराओगे तो वो अरेस्ट हो जाओगे। तो इस प्रकार के पहले होते थे। आजकल जो ज़्यादा चल रहा है, जो मैंने देखा है, जो मेरे पास लोग आके बताते हैं, अच्छे अच्छे लोगों, बड़े बड़े लोगों के साथ हो रहा है, मतलब मैं नाम नहीं बता सकता उनका, बट कई लोगों ने बताया है। जैसे फेडेक्स एक संस्था एक है, जिसमें पार्सल आपका आया है, बोलते हैं आपने पार्सल बुक किया है, तो बोलते नहीं हमने तो नहीं बुक किया, आपके नाम से और आपके आधार नंबर, आधार कार्ड से बुक हुआ है, और वो ताइवान जा रहा था और उसमें ड्रग्स मिली हैं, तो अब ड्रग्स मिली हैं तो आप आइए मुंबई आइए और यहाँ पे आप क्राइम ब्रांच में अपना बयान दीजिए। इस प्रकार से लोगों को डराते हैं, ये एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे प्रकार के ये अपराध हैं, पर इनके फिशिंग अटैक हमेशा दो चीज़ों पर आधारित हैं। अगर आपको कभी भी इस प्रकार का ईमेल आए या SMS आए या फ़ोन कॉल आए या WhatsApp आए, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ, पहली बात, वो आपको डराएंगे किसी ना किसी आधार पे, डर के आधार, आपको डरा के ऐसी चीज़ कराएंगे जो उनके फ़ायदे की है। तो डर पे आधारित होता है, क्योंकि डर, जब इंसान डर जाता है तब वो बिना सोचे समझे चीज़ें करता है, चाहे वो डर छोटा हो चाहे वो डर बड़ा हो। एक और अपराध आजकल बहुत चल रहा है कि आपको फ़ोन आता है और आपको बोलते हैं आपके बेटा गिरफ्तार हो गया, या आपका बेटा या बेटी किडनैप हो गए, ऐसे करके करते हैं और वो फिर आपसे पैसे लेते हैं। लोग बिल्कुल एकदम से घबरा जाते हैं। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण आजकल वो और भी बड़ा खतरा बन गया है, क्योंकि वो आवाज़ भी सुना सकते हैं, किसी और की आवाज़ है, आपके बच्चे की आवाज़ सैंपल लेके उसको सुपर इम्पोज करके वो यूज़ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से वो डराएंगे, पहला वो आधार है। दूसरा फिशिंग अटैक का आधार है लालच, कि घर बैठे नौकरी, घर बैठे लॉटरी, घर बैठे रिश्ते, इस टाइप के वो बनाते रहते हैं और लोग उसमें भी फंस जाते हैं, बिकॉज उसमें भी बिना सोचे समझे लोग गतिविधि करते हैं। ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें फंसे हैं। निधि राजदान एक NDTV की एंकर थी, वो खुद फंस गई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ईमेल के आधार पर, कि उनको वहाँ पर नौकरी मिल गई, हार्वर्ड उधर स्कॉलरशिप मिल गई। तो डर या लालच, अगर ये दो चीज़ें आपकी उस फ़ोन, उस SMS, उस ईमेल,
उस व्हाट्सएप में अगर ये दो तत्व हैं तो जरूर सतर्क होना है लोगों को कि नहीं ये हो सकता है सही भी हो। आई एम नॉट सेइंग कि सारे ऐसे तत्व सारे आपराधिक हैं, नहीं, बट हो सकता है सही नहीं भी हो, तो इसीलिए आपको उसका जांच तस्दीक करनी पड़ेगी। और क्या करना है आपको फिशिंग से बचने के लिए, मैंने एक दो स्टेज का प्रोटोकॉल बनाया है, अगर आप इसको फॉलो कर सकें तो आप साइबर फिशिंग से बहुत अच्छी तरीके से बचोगे और फिर एक साइबर क्राइम के बहुत बड़े धड़े से आप सुरक्षित हो जाओगे। पहला प्रोटोकॉल है मेरा कि वर्चुअल वर्ल्ड में अनजान से कभी संपर्क मत रखना। अगर आप ये कर सको, बड़े अनजान फोन कॉल आए आप उसको उठा सकते हो, बट जानकारी मत देना, चाहे वो डराएं चाहे आपको लालच दें। अनजान SMS आए तो कोई लिंक मत दबाओ, अनजान ईमेल आए तो कोई डाउनलोड मत करो अटैचमेंट, अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो उसको मत एक्सेप्ट करो। इस प्रकार की अगर गतिविधि आप हमेशा कर सकते हो, नॉट कभी कभी कि कभी कभी अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया कभी कभी नहीं किया, ऐसा नहीं, हर बार, तो एक आप अनजान से संपर्क नहीं रखो। दिस इज द फर्स्ट प्रोटोकॉल। सेकेंड प्रोटोकॉल, बिकॉज ये वर्चुअल दुनिया है, इसमें जरूरी नहीं है जो दिख रहा है वो सही है, तो देन सेकेंड प्रोटोकॉल आता है कि अगर जाना पहचाना भी दिखे तो आपको उसको वेरीफाई करना है। बिना वेरिफिकेशन के आप आगे बढ़ोगे तो वो एज गुड एज अनजान से संपर्क। मेरे नाम से और मेरे प्रोफाइल, कई बार फेक प्रोफाइल बनते हैं, कई लोगों के बनते हैं, मेरे तो बहुत बन, मैंने मेरे को बहुत लोग बताते हैं कि एक मेरी फोटो लगाई, एक मेरा नाम रख दिया, तो क्या मैं हो गया? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। वो दिख रहा है कि वो मेरा है वर्चुअल, बट वो एक्चुअली मेरा नहीं है। तो अगर आप मेरे को नहीं जानते हैं तो आपको उसको एक्सेप्ट नहीं करना, वेरी सिंपल, पहला प्रोटोकॉल। पर दूसरा, अगर आप मेरे को जानते भी हैं तब भी आप नहीं मान सकते कि ये मेरा है प्रोफाइल, आपको मेरे को एक बार फोन करिए, मेरे से संपर्क करिए, मेरे से कंफर्म करिए, फिर उसको करिए जो आपको करना है। तो ये दो चीज़ें आपको अपनानी पड़ेंगी। लोग वर्चुअल दुनिया में खतरा नहीं दिखता है, सब कुछ बढ़िया दिखता है, यहाँ ही बैठे किसी को फ़ोन कर लो, किसी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लो, कहीं भी पैसा ट्रांसफर कर लो, कोई भी टिकट बुक कर लो, कोई भी मूवी डाउनलोड कर लो, कोई भी गाना सुन लो, कुछ भी करो, बड़ी अच्छी दुनिया है, वो सुविधा मनोरंजन से भरी है, खतरा नहीं दिखता। वहाँ कोई आपको चाकू लेके आके लूटेगा नहीं, वहाँ कोई आपको गोली मार के जान नहीं लेगा, बट आपकी फिर भी जान चली जाएगी। तो इसलिए लोग लापरवाही करते हैं कभी कभी, जो टेक इट ईजी टाइप का एटीट्यूड होता है और फिर जाके फंस जाते हैं। पर वो दुनिया इतनी खतरनाक है जहाँ, जितनी ये दुनिया है ये हमेशा मानना, जहाँ इंसान वास करते हैं चाहे रियली चाहे वर्चुअली, वहाँ पे अपराधी उसी अनुपात में रहते हैं। नया ट्रेंड चल रहा है ब्लू टिक फ्रॉड का, तो ये ब्लू टिक फ्रॉड है क्या वास्तविकता में और लोग किस तरीके से इस झमेले में फंस रहे हैं, धोखाधड़ी का शिकार होना है? देखिए, मेरा ये कहना है कि जो लोग महत्वपूर्ण पदों पे हैं या जो लोग महत्वपूर्ण उनकी योगदान है, जो भी नोन लोग हैं, उनको उनकी विशेष कारण से उनकी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अन्य ऐसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे आपको ब्लू टिक मिलता है। ब्लू टिक का मतलब होता है वेरीफाइड बाय फेसबुक या वेरीफाइड बाय इंस्टाग्राम, कि ये व्यक्ति जेन्युइनली वही है जो प्रोफाइल है। तो जैसे मेरी भी ब्लू टिक है, अब मेरी ब्लू टिक में मैं कभी दूसरा फेसबुक का प्रोफाइल नहीं बनाऊंगा, ये एक रूल है। तो ब्लू टिक का दो चीज़ें होती हैं, एक तो वो व्यक्ति को वेरीफाई कर रहा है वो संस्था, प्लस दूसरी बात यह है कि वो व्यक्ति कभी दूसरी अपनी प्रोफाइल नहीं बनाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नाम से 1000 प्रोफाइल होंगी, बट उस सिर्फ एक प्रोफाइल में ब्लू टिक है, वो है ऑफिशियल प्रोफाइल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो बाकी प्रोफाइल पता नहीं किस कारण से बने, कोई फैन पेज होंगे, कोई कुछ होंगे, बट उनकी ऑथेंटिक प्रोफाइल वो है। तो इसीलिए ये हमेशा मन में रखना कि उसकी एक सुरक्षा की पार्ट भी होता है ब्लू टिक का, और वो ये है कि ऐसे लोग कभी दूसरी प्रोफाइल नहीं बनाएंगे। तो ऐसे इनके नाम से और इनकी फोटोग्राफ लगा के अगर कोई दूसरी प्रोफाइल से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो आप उसको ज़्यादातर गारंटी मान सकते हो कि ये गलत तरीके से फंसाने का प्रयास है। और अगर आपको उसको फिर भी एक बार जानकारी लेनी है तो उस व्यक्ति से संपर्क करके पूछ लीजिए, अगर आप उनको जानते हैं अच्छे से, नहीं जानते तो वैसे आप रिजेक्ट करो, चाहे वो कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई भी हो, पर अगर जानते हैं तो एक बार पूछ लो कि आपका है, आपने भेजा है फ्रेंड रिक्वेस्ट, अगर वो बोले हाँ तो फिर आप करो जो आपको करना है, अगर वो बोले ना तो फिर वो फेक प्रोफाइल थी, आप बच गए क्योंकि आपने वेरीफाई कर लिया। बट ब्लू टिक वालों, प्रोफाइल वालों के पास दूसरी प्रोफाइल नहीं होगी, ये एक नियरली एक गारंटी है, बट अगर कोई बनाएगा तो फिर भी आप एक बार चेक कर सकते हो। सर एक सवाल और, एक ऑटोमेटेड कॉल के नाम पर जो है आजकल फ्रॉड चल रहा है, लोग नहीं समझ पाते हैं, किसी भी संस्था के नाम पर ऑटोमेटेड कॉल आता है, डिजिट दबाने का कहा जाता है और उसके बाद अपराध शुरू हो जाता है और साइकोलॉजी से खेल के लोगों को पैसा वसूला जाता है, वो थोड़ा उससे बचने के लिए लोग क्या कर सकते हैं सर? वो थोड़ा अभी सबसे बड़ी समस्या है ऑटोमेटेड कॉल, मैंने वही तो बोल रहा था, ऑटोमेटेड कॉल मीन्स अगेन अननोन कॉल, मतलब आप कहाँ से आ रहे हैं आपको तो मालूम नहीं है, एक नंबर आपको दिख रहा है सिर्फ और एक व्यक्ति कुछ बोल रहा है, तो अल्टीमेटली इट इज अननोन, अननोन से संपर्क नहीं रखना, उसमें जो भी आपको बंद कर देना है उसे नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने बताऊँ ना,
मैं कार्यक्रम में गया था इंदौर में, यहाँ एक म्यूजिक का कार्यक्रम था, बल्कि यहाँ के ग्रुप है जो डॉक्टर्स एंड ऑल ने बना के ये जाल सभागृह में वो एक म्यूजिकल इवनिंग टाइप करते हैं, तो कई लोग थे, तो क्योंकि मैं मेरे को एज अतिथि बुलाया था तो उन्होंने सर आप आ गए तो कुछ संदेश दे दीजिए, तो मैंने कुछ साइबर के उनको बता दिए लोगों को जो उपलब्ध थे वहाँ पे। एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने मेरे को बोला सर आपने ये बताया, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, उसने वही वाला फ्रॉड जो था आपके बैग में वो निकल गया, आप ड्रग्स आ गए, तो बोलते सर मेरे को ऐसे करके उन्हें फंसाया और मेरे से 2 करोड़ रुपये ले लिए। तो मैंने सोचा मैंने गलत सुना, तो मैंने लगा क्या बोला आपने 2 करोड़, तो बोलता है कि 2 करोड़ पहला ट्रांजैक्शन 1.5 करोड़ और फिर 50 लाख। इसे सर मेरे को समझ ही नहीं आता कि मेरे कैसे, मतलब मेरा दिमाग ऐसे हो गया और मैं देता गया और मैं जस्ट इमेजिन इस लेवल तक ले जाते हैं। तो बेटर इज दैट आप उनसे एंगेज नहीं करो, कोई फोन पे करे तो आप उससे बात करने का प्रयास करो क्या चाहिए वो, तो आपको फंसाएंगे, उनका तो काम ही ये है। और वो जैसे जैसे उनका, मैंने ये भी नोटिस किया कि आज ये क्योंकि अपराधी हैं, ये कई दिनों से ऐसा कर रहे हैं, तो वो उनका जो स्किल है वो बेटर होती जाती है, वो एक आपसे बात करेंगे तो कुछ बोलेंगे, फिर आपसे कुछ सीख के जब इनको फोन करेंगे तो वो बेटर ढंग से उससे बात करेंगे, वो तो तीसरे को करेंगे तो और उनका इंप्रूव हो जाएगा। तो आप जैसे उनसे इंगेज करोगे या उनसे काउंटर क्वेश्चन ये सब करने का प्रयास करोगे तो वो बेटर, वो आपको फंसा सकते हैं। तो ऐसे अनजान से कॉल करना ही, बात ही नहीं करनी, एंगेज ही नहीं करना, कोई कुछ बोले तो बोलेगा ठीक है मेरे को नहीं मालूम, आप आ जाइए सामने आ जाइए मिल जाइए, वो समथिंग नहीं दैट, तो आपको एंगेज भी नहीं करना। यहाँ पे भी बहुत बड़े डॉक्टर हैं इंदौर के, वेरी बिग डॉक्टर, नाम नहीं बताऊंगा, वो उस व्यक्ति के अपॉइंटमेंट के लिए 2 महीने लगते हैं, और उस व्यक्ति के एक व्यक्ति ने फोन किया उनको, मेरे को बता रहे थे और उनको यही पार्सल वाला, और 1 घंटा बात किया उनसे, इतना उनको मतलब चर्चा में फंसा के रखा 1 घंटा, जो डॉक्टर के पास 2 महीने का आपको टाइम नहीं है अपॉइंटमेंट देने का, उनके साथ ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वो ऐसे फंसाते हैं, तो इट्स बेटर टू एंगेज नहीं करना। परिदृश्य में एक AI जो है और डीप फेक, तो AI में किस तरीके से लोगों की वॉइस को बदल कर अपराध हो रहा है और डीप फेक भी बड़ा चैलेंज बनना हुआ है, तो ये इससे निपटने के लिए लोग किस तरीके से सावधानी रखें और ये क्या होता है बेसिकली, लोग अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं इसको, वो थोड़ा बताइए। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जिसको बोलते हैं, ये एक आया तो था, मतलब हर चीज़ आती है अच्छाई के लिए, बट उसके बुरे जो तत्व पक्ष होते हैं वो भी यूज़ होने लग जाते हैं, और फिर वो एक दिन ऐसा भी कभी कभी आता है कि कुछ चीज़ जो अच्छाई के लिए बनी थी वो बुराई में तब्दील हो जाती है। तो मेरा भी मानना है AI इज़ वेरी बिग चैलेंज फॉर सिक्योरिटी, फॉर नॉट ओनली सिक्योरिटी बट फॉर ह्यूमैनिटी, मतलब बिकॉज वो नौकरियों को भी इफेक्ट करेगा, वो बहुत चीज़ों को इफेक्ट करेगा, नॉट ओनली क्राइम। तो एक इलॉन मस्क हैं जो उसके एक्स के मालिक हैं, उन्होंने बोला था कुछ समय पहले कि आने वाले समय में मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती, मानवता के लिए, सुरक्षा के लिए नहीं, AI बनने वाली है। उसके बहुत सारे कारण हैं, पर मेन चीज़ लोगों को समझनी है कि AI जो है वो बेस्ड किस पे है आधारित। AI आधारित है सूचना पे, इन्फॉर्मेशन पे। जितनी ज़्यादा सूचना इन्फॉर्मेशन उस सिस्टम को, AI सिस्टम को आप प्रदान करोगे, उतनी अच्छी AI की रिजल्ट आपको मिलेंगे, है ना। जैसे तो इसीलिए अगर मेरी एक फ़ोटो किसी व्यक्ति के पास है तो वो अगर डीप फेक बनाना चाहे तो वो एक एंगल से मेरी एक फ़ोटो है तो वो अगर वो डालेगा डीप फेक के ऊपर तो वो मेरे चेहरा मेरा एक ही डायरेक्शन में देखेगा, बिकॉज वो फोटो ही एक है। बट सपोज़ उस व्यक्ति के पास मेरी 100 फोटोग्राफ्स हैं, तब वो उसको स्कैन करके हर एंगल से मेरी फोटोग्राफ सुपर इम्पोज हो जाएगी। तो अगर उस वीडियो में फिर मेरी फोटोग्राफ आप डालोगे, मेरा चेहरा, तो फिर वो तो हर एंगल से होगा, तो ऐसा लगेगा वेरी नेचुरल। तो वो ज़्यादा क्या है, सूचना ज़्यादा है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। तो दी किसने, ज़्यादातर मैं खुद देता हूँ। तो इसीलिए शेयर करना अपनी इन्फॉर्मेशन, किसके साथ शेयर करना, कब शेयर करना, कितना शेयर करना कभी नहीं करना, ये लोगों को सोचना चाहिए। इसको बोलते हैं सूचना सुरक्षा, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। जितनी आप अपनी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रख सकते हो उतना आप इस काइंड AI जैसे अटैक से बेहतर ढंग से बच सकते हो। अगर आप जहाँ सूचना आप, वो तो कई लोग शेयर करते हैं, फिर आपको तैयार होना पड़ेगा कि इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, और फिर आप लापरवाही करके फंस नहीं सकते इसमें। तो इसीलिए अपनी सूचना को सुरक्षित रखना चाहिए। मैं हमेशा लोगों को, बच्चों को ये समझाता हूँ कि आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, बहुत सारे लोग करते हैं, आप करिए, बिल्कुल करिए, बट ध्यान से करिए। किसके साथ शेयर करना, कितना शेयर करना, कब शेयर करना कभी नहीं करना, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बिना सोचे समझे नहीं करना, तो फिर आप कब, जैसे मैं बताता हूँ लोगों को कि आप मेरी बातें सुन के अगर लोगों को लगे कि नहीं, आज के बाद हम अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो अगर आपने ऐसा हर बार किया तो आपने एक कदम तो उठाया कि आपकी जो जानकारी जो आप पोस्ट कर रहे हो, जो शेयर कर रहे हो, वो अनजान व्यक्तियों के पास तो नहीं जा रही है जी। कुछ तो कदम उठाया, तो आप कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी सूचना अगर फ्रीली अवेलेबल है तो फिर वो चैलेंज उतना ही ज़्यादा बड़ा है। मेरे को एक बैंगलोर में एक शीज़ गायनोकोलॉजिस्ट, मेरे को बहुत लोग संपर्क करते हैं पूरी दुनिया से, देश से, इसलिए मेरे को बहुत सारे केसेस मालूम है।
वो गायनेकोलॉजिस्ट है, वहाँ की लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट है, नंबर वन, मतलब इतनी बड़ी डॉक्टर है वहाँ की, उनकी बेटी है जो सेकंड ईयर कॉलेज में पढ़ती है, इन वो भी मेडिकल कर रही है, तो उनका मेरे को फ़ोन आया, उन्होंने बोला सर प्लीज़ मेरे को मदद करिए, उनकी बेटी ने उनके एक वर्चुअल फ्रेंड है ना, कभी ना मिले कभी ना देखा पर फ्रेंड बन जाते हैं लोग और बेस्ट फ्रेंड भी बन जाते हैं, तो ऐसे वर्चुअल फ्रेंड के साथ उस बच्ची ने अपनी एक पर्सनल फोटोग्राफ शेयर करी, पर्सनल नॉट ऑब्सीन फोटो बट अ पर्सनल फोटो, उस एक फोटोग्राफ के आधार पे उस लड़की जो भी था वो व्यक्ति, उसने उस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, वो अब मेरे पास वो बेचारी उनकी माँ बोलती है कि सर कुछ करिए ताकि इसको हम इंटरनेट से हटा सकें, तो मैंने ऐसा तो कोई तरीका है नहीं, इट्स नॉट रियल वर्ल्ड कि आपने फोटो फाड़ के फेंक दी तो खत्म हो गया, या टूरिज्म पुराने जमाने में नेगेटिव आता था फाड़ के फेंक, ऐसा तो कुछ है नहीं, एक बार आ गई तो आ गई, अब आप उसको कैसे डील करना है, अब उसको पकड़वाओ जिसने करा है, तो एक तो सोल्यूशन वो है, दूसरा अब वो जो उपलब्ध है उसको कैसे आप डील करोगे वो आपको सोचना है, बट हट नहीं सकती, पर वो शेयर फोटोग्राफ करी किसने थी, वो उस बच्ची ने खुद करी थी, अगर वो जागरूक रहती अगर उस मतलब थोड़ा अलर्ट रहती तो वो ऐसी चीज़ नहीं करती, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग जागरूकता ही एक चाबी है सुरक्षा की, और वो जागरूकता आपकी है, कोई आपको मदद नहीं कर सकता, जब आप साइबर दुनिया में होते हो तो आप और आपका उपकरण, उसके बीच में कोई नहीं होता, ना कोई सिस्टम, ना कोई पर्सन, ना कोई टेक्नोलॉजी, कुछ नहीं, आप और वो डिवाइस, अब उस पर आप क्या कर रहे हो ये आप जानो, तो आपको सही चीज़ें करोगे तो आप बचोगे, आप नहीं कर पाओगे तो आप फंस सकते हो, तो इसीलिए सही दिशा में जाने के लिए वो जरूरी है, AI से बचने के लिए अपनी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखना चाहिए जितना हो सके। सर एक आखिरी सवाल, गूगल पे जो आजकल लोग अपने संस्थानों के प्रतिष्ठानों के या अपने सेक्टर्स के मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट्स शेयर करते हैं, इवन पुलिस के भी देते हैं, तो फ्रॉडस्टर वहाँ से वो नंबर्स को ग्रिप कर रहे हैं, आखिर क्या मेथड है, क्यों इजीली वो लोग वहाँ पर सर्च करते हैं, या कुछ फिल्टर होना चाहिए, या किस तरीके से लोग बचें, क्योंकि लोग कई बार इस तरीके से टारगेट हो भी जाते हैं, सही जगह लगाने की चाहते हैं लेकिन लग जाता है गलत जगह, तो क्या गूगल के जो सर्च पे जो गूगल सर्च पे, हाँ नहीं देखिए गूगल सर्च भी उसका एक ही चीज़ हो सकती है कि जो उस जिसको जैसे आप इंदौर पुलिस के किसी से संपर्क करना चाहते हैं जी, तो आप गूगल सर्च करके अगर आप किसी से नंबर निकालने का प्रयास कर रहे हो तो जो इंदौर पुलिस की ऑफिशियल साइट है उसका जो आएगा जो सर्च में आता है उसमें जाके खोल के आप लीजिए, indorpolice.com जो भी उसका URL है उसमें ही आप जाइए, गूगल का अपना है, अमेजोन का अपना है, हर का अपना होता है, तो उस जो ओरिजिनल ऑथेंटिक साइट है उस पर जाके आप प्राप्त करिए, ऐसे नहीं किया जैसे आपने सर्च किया जो ऊपर जो आ गया फर्स्ट सर्च में फर्स्ट आ जाता है लोग उसी को मान लेते हैं, तो वो नहीं करना, मतलब थोड़ा बहुत आपको पेशेंस रख के उसकी ऑथेंटिक ऑफिशियल साइट पे, जैसे आपको आपने इंदौर पुलिस का चाहिए तो पहले आप सर्च करो इंदौर पुलिस ऑफिशियल पेज, तो आपको फिर आएगी आपको राइट पर, आप अगर लिखोगे इंदौर पुलिस ऑफिसर्स के नंबर तो शायद वो तो कोई भी फर्जी साइट भी आ सकती है जी। तो आप सर्च क्या कर रहे हो, आप कीवर्ड्स क्या डाल रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर है, तो सही साइट पे जाओ जो ऑथेंटिक साइट है जो ओरिजिनल है उससे प्राप्त करो, तो आई थिंक ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा चेक हो सकता है। ठीक सर, थैंक यू सर।